हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने आया हूं। तो अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अभी क्या करते हैं, यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन है कृष्णा नेतम जी, कह रहे हैं लोकल ट्रेन में सीआरयू को सेल करके INR में ले सकते हैं कि नहीं? नहीं, क्योंकि अभी वहाँ पर INR का कोई ऑप्शन नहीं है। कार्ड का ऑप्शन वहाँ पर दिया है लेकिन अभी वो नहीं कर सकते, मतलब आने वाला है कार्ड का ऑप्शन, वीजा मास्टर कार्ड का। तो अभी वहाँ पर क्या करना है, सीआरयू को वहाँ पर सेल करना है। सेल करने के बाद USDT पेयर में, USDT को आप वहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर USDT का विड्रॉल चार्जेस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए USDT को आप TRX या अदर करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे जिसका ट्रांजेक्शन चार्ज कम हो, और उसको आप वजीरेक्स या बाइनेंस में ट्रांसफ़र कर लीजिए, ठीक है। और वहाँ पर आप INR में कन्वर्ट कर सकते हैं, बैंक में ले सकते हैं। अनवर सिद्धार्थ कह रहे हैं लॉन्च टुमारो, अच्छा अभी नहीं सर, अभी लॉन्च क्या, अभी वहाँ पर जो अटलांटिक एक्सचेंज में ट्रेड शुरू हो गई है, अभी आप कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन अभी हो सकता है वेट आपका पेंडिंग में शो कर रहा हो, तो धीरे धीरे वो अगले यानी जो आ रहा है मंगलवार, मंगलवार तक आपको वेट करना पड़ेगा। कार्तिक भूमि जी कैसे हैं आप, रोहित राम +100, ओके थैंक यू। कृष्णा नेतम जी कह रहे हैं KYC वेरीफाई नहीं हो रहा है, 1 वीक हो गया है, इन प्रोसेस में दिखा रहा है, क्या करें? सर अभी वो इन प्रोसेस में ही दिखाएगा, आप सपोर्ट में जाकर आप मेल कर सकते हैं, वहाँ पर क्या रिप्लाई आता है वहाँ पर पूछिए उनसे, हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो, ठीक है। काफ़ी लोगों का ऐसे पेंडिंग वहाँ शो करता रहता है। इसके बाद मनोज कुमार जी कह रहे हैं ब्रदर KYC न्यूज आ गया है अभी ट्विटर पर, इंडियन के लिए KYC कार्ड स्टार्टिंग कार्ड चेक कीजिए। सर मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है लेकिन मैं अभी कमेंट पढ़ने आया हूँ ताकि आपको अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे जब आप कमेंट करते हैं। मैंने इसके बारे में वीडियो बना दिया है और ट्विटर पर फेक अकाउंट है अटलांटिक एक्सचेंज का, तो उसको आप फॉलो ना करें, उसको अनफॉलो कर दें और अपनी कोई भी डिटेल थर्ड पर्सन को बिल्कुल भी ना दें। ट्रेडिंग की वीडियो बनाइए बाई सेल की, पंकज चायद्रप। सर मैंने बना दी है, अब वहाँ पर सही से अभी क्या है, आप वहाँ पर ट्रेड लगाएंगे तो ट्रेडिंग भी बताएगा, तो अभी कम्प्लीटली वहाँ पर वीडियो नहीं बन पाएगा, मैंने फ़िलहाल वीडियो बना दिया है। KYC का वीडियो बनाओ सर, बना दिया है सर जी, म्यूजिक टेटे। इसके बाद में पंकज चैद्रव ट्रेडिंग USDT में 1 है, $10 की लगाया 0.1.1 लिखा। सर वहाँ पर ऐसी कोइन है, यदि आपको सेल करना है अटलांटिक एक्सचेंज पर तो आपको $1 में सेल करना होगा और $1 की ही बिल लगाएं, कम में बिल नहीं लगाएं। और यदि अटलांटिक एक्सचेंज के अलावा कोई दूसरा एक्सचेंज आप यूज करते हैं वहाँ पर, यदि आप ऐसी बाई किया है कम रेट में बाई किया है तो अच्छी बात है, लेकिन सेल करना है तो $1 ही आप सेल करें ताकि लोगों का यहाँ पर रुझान बढ़े कि अरे मैंने तो ऐसी कॉइन 1 पैसे का ख़रीदा था अभी $1 का हो गया, तो शीघ्र ही पूरी मार्केट में पूरे वर्ल्ड में ऐसी कॉइन की प्राइस है जो स्टेबल हो जाएगी $1 के बराबर। सर जी हॉटबिट में ऐसी कॉइन ही सेल सेट कितने में करना है बोलो, $1 में आपको सेल करना है हॉटबिट में, ख़रीदना है भले ही कम में ख़रीदें आप। वशिष खान खान हेलो सर जी, ओके थैंक यू। इसके में म्यूजिक आर्ट कह रहे हैं कि सर मैंने आपको पहले भी SMS किया था कि मेरे सारे ऐसी कॉइन गायब हैं, गूगल वेरिफिकेशन आ रहा है, तो क्या मैं ऐसी कॉइन वापस आ जाएंगे या नहीं, प्लीज़ जवाब ज़रूर देना। सर आपके बिल्कुल ऐसी कॉइन वापस आ जाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए, गूगल वेरिफिकेशन कोड जो आ रहा है उस गूगल वेरिफिकेशन कोड तो आपको डालना ही पड़ेगा, अगर नहीं डालेंगे तो ID आपकी ओपन नहीं होगी। इसके बाद फिरदौस काश्मी ऑफिशियल, मेरा और एक सवाल है, मैंने हॉटबिट से ATC एक्सचेंज पर ऐसी कॉइन डिपॉजिट करा था, अभी तक शो नहीं हो रहा है, तो मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है, आपको कंफर्म करना पड़ेगा वहाँ, ठीक है, लेकिन वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है। डिपॉजिट कंप्लीट का वहाँ पर आता है ना, उस पर आपको क्लिक करना रहता है।
इसके बाद में ऐसा खान करें, सर मैंने ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ऐसी कॉइन हॉटबिट पर बहुत ही कम रेट पर बिक रहा है, तो अटलांटिस रीजन पर ऐसी कॉइन 1 डॉलर में कैसे बिकेगा। देखिए हर चीज़ अलग अलग होती है, ठीक है। अभी क्या है कि आप अगर किसी नल से पानी लें, ठीक है, कुएं तो नहीं है, नल से पानी आप पी सकते हैं फ्री में कहीं अगर लगा हो, और वही पानी बोतल में बिकता है जिसको आप 20-25 रुपए में खरीदते हैं, और वही उतना ही पानी कहीं कहीं पर 100 रुपए का मिलता है, कहीं 200 का मिलता है, कहीं 500 का मिलता है, ठीक है ना। अलग अलग कंपनी होती हैं, पानी की मात्रा उतनी ही होती है, ठीक है, तो सब अलग अलग, घोड़े की कीमत घुड़सवार में ही होती है, ठीक है। तो इस तरह है, यदि आपने कम रेट में सेल किया है, कम रेट में लिया है तो अच्छी बात है, अब उसको 1 डॉलर में ही सेल करें, या फिर आप उसे होल्ड करें, या फिर अटलांटिक सीजन में लिक्विडिटी पूल में आप रख दें, जहाँ पर 12% पर ईयर आपका आएगा, वो भी 2024 के बाद शायद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, आप अगर सेल करेंगे 1 डॉलर में तो सेल होगा, कम 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 की बिड में आपको अटलांटिक सीजन में सेल नहीं कर पाओगे, यदि करोगे तो आपकी आईडी है वो ब्लॉक हो जाएगी। इसके बाद में राजेश सिंह कह रहे हैं, आपने लिए वक्त वक्त कमाना इस नेटवर्क में संभव नहीं है। हाँ सर बिल्कुल बात सही है, देखिए नेटवर्क में क्या होता है कि अगर हम अच्छी तरह मेहनत कर लेते हैं किसी जेन्युइन कंपनी में, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद हमें आराम करने का मौका बाद में मिलता है, जब वहाँ से इनकम बहुत ज़्यादा पैसिव इनकम शुरू होती है, ठीक है। अगर ऐसा है तब तो अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जॉब तो सभी करते हैं, वहाँ पर बस उतना ही है, जॉब के बाद फिर ज़िंदगी ख़त्म, ठीक है। जैसे अभी हीरो लोग क्या है, अभी फिल्म वगैरह बनाते हैं तब तक तो पैसा मिलता है, इसके बाद जैसे वहाँ छोड़ते हैं फिर वो पैसा वो कहाँ से मिलता है, जैसे एड अगर करेंगे तो पैसा मिलता है, ठीक है ना। अभी जैसे बच्चन जी हैं, एड करते हैं तो जो जो प्रोडक्ट पसंद करते हैं उसकी एड नहीं, मतलब हम उन्हें 8-10 मानते हैं और उनकी एड देखकर हम वो वस्तुओं का यूज करते हैं, ठीक है, उनको पैसा मिलता है, जबकि वो उन वस्तुओं का यूज नहीं करते होंगे। विनोद यादव जी, हाँ, कृष्णा नेतम जी कह रहे हैं कि उसको बैंक में कैसे ट्रांसफ़र होगा, बताओ क्या जी। देखिए बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको वजीर एक्स एक्सचेंज में ही लाना होगा, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करके, वजीर एक्स या बाइनेंस पे, वहीं से आप INR में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर बैंक का ऑप्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंज हैं जो जहाँ पर क्रिप्टो से क्रिप्टो मिलता है, USDT से BTC से, लेकिन जो बैंक का होता है वो कम है, बहुत ही कम एक्सचेंज है, वहाँ पर बैंक से आप लेन देन कर सकते हैं। अटलांटिस सीजन सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग, विनोद यादव जी, सर अब वर्क कर रहा है, धीरे धीरे सारा काम वहाँ पर होगा, ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी मान लें। अपना पत्ता खलास, सिंगल नेम का KYC नहीं होगा सर, आप उसको एक सिंगल नेम है तो उसको डबल कर लीजिए, बीच में काट दीजिए, ठीक है ना। तो सिंगल नाम का होगा, क्यों नहीं होगा, तो वहाँ पर जो दूसरा और जो दिया है वहाँ पर अगर खाली नहीं छोड़ना है तो वहाँ पर डॉट रख दीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा। और जो हमारा नाम है, क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वही डॉक्यूमेंट हमें वहाँ पर लगाना है, इसलिए वही नाम वहाँ पर रखिए, तो हो जाएगा, डॉट रख दीजिए, अगर खाली छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है तो डॉट रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ये थे सारे सवालों के जवाब। तो अभी यदि आपने कमेंट नहीं किया है, कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।